जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप बहुत बढ़िया होंगे। तो सभी लोगों को आज की इस वीडियो में बहुत कुछ सिखाने वाला हूं और आप सभी लोगों को पता है, जैसा कि थंबनेल पे दिख रहा है, जो थंबनेल पे आप लोगों को दिख रहा है ना, सेम वही चीज़ें आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सभी के सभी क्वेश्चंस, जितने भी आपके सवाल हैं, उन सभी के जवाब मैं आज की इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो सभी लोग एक बार प्यार से इस वीडियो को अपना पूरा प्यार देना, ठीक है। और आप सभी लोगों की डिमांड भी है, काफ़ी लोगों ने हमसे बोला भी है, ऑफलाइन कमेंट भी बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं कि सर एक ऐसी वीडियो बनाओ जिसमें कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो हिंदी मीडियम से पढ़े होते हैं या जिनकी इंग्लिश बेसिकली वीक होती है, अगर एक लाइन में बोलें, चाहे वो हिंदी मीडियम से पढ़ा हो या फिर इंग्लिश मीडियम से, क्योंकि कॉम्पिटिशन लेवल की जो इंग्लिश होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है अकेडमिक से, ठीक है। तो यहाँ पर पूरी तरीके से हम बात करने वाले हैं कि ऐसे स्टूडेंट्स जिनकी इंग्लिश थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक होती है ना, कन्फ्यूजेबल होती है, थोड़ी सी वीक भी होती है, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो हिंदी मीडियम से पढ़े होते हैं, तो उनको तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि इंग्लिश को तैयार कैसे करें। सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, सर मैथ्स कर लेंगे, रीजनिंग कर लेंगे, जी के जी एस भी कर लेंगे, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है इंग्लिश में, क्योंकि इंग्लिश में कई सारे पार्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें एक स्टूडेंट जो है फंस जाता है, कन्फ्यूज हो जाता है। तो चलिए बात करते हैं आज की इस प्यारी सी वीडियो में कि कौन कौन से पॉइंट्स ऐसे हैं जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपके क्वेश्चंस सामने रखूंगा कि एक्चुअली आपके अंदर कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो जनरेट होते हैं, अक्सर आप लोगों को परेशान करते हैं। देखो सबसे पहला क्वेश्चन, पहली चीज तो मैं अपने बारे में बता देता हूं, चूंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा स्पेशल इसलिए होने वाली है क्योंकि मैं खुद एक हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ, यूपी जैसा बोर्ड, यूपी बोर्ड से मैंने आप लोगों के जो यूपी वाला बोर्ड होता है, हिंदी मीडियम होता है, और वहाँ का थोड़ा एजुकेशन सिस्टम भी थोड़ा सा हिला हुआ होता है, आप सभी लोगों को पता है। वहाँ से मैंने क्लास वन से ट्वेल्थ पास किया, उसके बाद हिंदी मीडियम से ही आगरा इंस्टीट्यूट, जो आगरा आपकी यूनिवर्सिटी है, वहां से मैंने आप लोगों का जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। तो लगभग 15 साल तक मुझे इंग्लिश ने बहुत ज्यादा परेशान किया है ना। मैं पूरी तरीके से इंग्लिश 10 से 15 साल तक मैंने छुई तक नहीं है, मतलब आप यूं कह सकते हैं कि इंग्लिश का सबसे खराब स्टूडेंट, जिसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंग्लिश हुआ करती थी, वो मैं हूँ। मेरी क्लास में, मेरी पूरी मेजॉरिटी में, मेरे सारे के सारे ग्रुप्स में सबसे ज़्यादा इंग्लिश जो खराब थी वो मेरी थी, और वही बंदा आज इंग्लिश पढ़ाता है, ठीक है। काफ़ी 4 से 5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है मेरे पास इंग्लिश लैंग्वेज को, वो भी कॉम्पिटिटिव इंग्लिश का, और ऊपर से जो CGL 2019 में जो एग्जाम हुआ था SSC CGL का, उसमें मेरा स्कोर जो था स्पेशली इंग्लिश में, ये सिर्फ इंग्लिश का स्कोर है, तो कोई बच्चा पूरा इंटायर इंग्लिश जो है इंटायर स्कोर ना समझ ले इसको, ये सिर्फ इंग्लिश के लिए ओनली, ठीक है। ये मेरा इंग्लिश का स्कोर रहा क्या कि जब प्री में मैंने आप लोगों की इंग्लिश अटेंड करी तो वहां पर 50 में से 50 मार्क्स मेरे आए हैं, ठीक है। ये केवल इंग्लिश का स्कोर मैं आप लोगों को बता रहा हूं, प्री में 50 में से 50 और मेंस में 195 आउट ऑफ 200, मतलब कि 200 में से 200 एक नॉर्मलाइज्ड स्कोर है, जो नॉर्मलाइजेशन के बाद में कुछ मार्क्स बढ़ भी जाते हैं घट भी जाते हैं, लेकिन आप एटलीस्ट रो स्कोर को भी जो है टारगेट करते हैं, तो मुझे अब भी ये कम लगता है, मैं चाहता कि 200 में से 200 ही आने चाहिए। तो आप लोगों को भी कुछ इस तरह का टारगेट जो है फिक्स करना है कि मुझे सर 100 में से 100, 50 में से 50 या 200 में से 200 लेकर के आने हैं। वही एनर्जी, वही जोश जब आप अपने अंदर रखते हो ना, तब जाके आपका जो स्कोर है वो हाई लेवल तक जाता है। तो इस स्कोर को मैंने कैसे अचीव किया, मैं हिंदी मीडियम से हूं तो मुझे अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी है कि किस तरीके से एक बच्चे को प्रॉब्लम होती है और किस तरह से वो उन प्रॉब्लम से लड़ सकता है या फिर अपने मार्क्स गेन कर सकता है। तो जनरल जो क्वेश्चंस होते हैं एक स्टूडेंट के माइंड में, उनको सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने रखने वाला हूं। पहला क्वेश्चन होता है कि सर किताबें कौन कौन सी पढ़नी चाहिए, एक जनरल क्वेश्चन होता है एक स्टूडेंट का, सर किताबें कौन कौन सी आप सजेस्ट करोगे, कोई बुक सजेस्ट कर दो कि जिससे हम रूल्स भी पढ़ सकें, जिससे हम चीज़ें भी सीख सकें, जिससे हम प्रैक्टिस भी कर सकें और मुझे कोचिंग ना जाना पड़े, मुझे सेल्फ स्टडी करने में बहुत ज़्यादा मदद मिल जाए, बहुत ज़्यादा हेल्प मेरी मिल जाए, हो जाए, ऐसी कोई बुक्स बता दो, और कौन कौन से चैनल से पढ़ाई करनी चाहिए, कौन कौन से टीचर्स चूज करने चाहिए। तो ये सारे के सारे सवालों के जवाब मैं आज की इस छोटी सी वीडियो में आप लोगों को देने वाला हूँ। एक और कॉमन क्वेश्चन रहता है कि सर इंग्लिश को कितना टाइम देना चाहिए, एक दिन में कितना टाइम इंग्लिश को पर्टिकुलरली देना चाहिए, वो भी सारे के सारे क्वेश्चन जो आपके दिमाग में चल रहे हैं उनका भी मैं जवाब दूंगा। एक क्वेश्चन और जनरली होता है कि सर मेरी इंग्लिश बड़ी वीक है, एक जनरल क्वेश्चन एक स्टूडेंट के अंदर रहता है कि सर मेरी इंग्लिश बड़ी वीक है, इसको कैसे सुधारा जाए, मेरी इंग्लिश कैसे इंप्रूव हो सकती है।
जिस तरीके से आपने हिंदी मीडियम से यूपी बोर्ड से 12th पास आउट किया है, उसके बाद ग्रेजुएशन भी हिंदी मीडियम से किया है, उसके बाद आज मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, इंग्लिश का टीचर हूँ, ठीक है, एसएससी सीजीएल क्वालिफाई किया है मैंने, प्री मेंस में अच्छा खासा स्कोर बनाया, तो 200 में से 250 में से 50, 30 में से 30 मैंने आईबीपीएस क्लर्क पीओ भी दिया है, एनडीए भी दिया है, तो ये सारे के सारे एग्जामिनेशन में मैंने इंग्लिश का इतना अच्छा स्कोर कैसे किया, वो सारी की सारी चीजें मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बता दूंगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहला ये जो क्वेश्चन है आपका कि इंग्लिश को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए, इसको सबसे पहले हम यहां पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके लिए मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि कुछ सॉल्यूशंस होते हैं, जैसे मान लो प्रॉब्लम पता होनी चाहिए तभी तो आप किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बता पाओगे। तो सबसे पहले जिस चीज की प्रॉब्लम आपके अंदर है, जिस चीज की प्रॉब्लम आपको परेशान कर रही है, उसका सॉल्यूशन तो तभी पता चलेगा जब वो प्रॉब्लम आपको पता चल जाएगी। डॉक्टर के पास दवाई लेने गए, दवाई किस चीज की लोगे भाई, आपको पहले बीमारी बतानी पड़ेगी। तो सबसे पहले आपको अगर किसी भी चीज का सॉल्यूशन पता करना है कि सर सॉल्यूशन क्या है इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करने का, तो उससे पहले आपको प्रॉब्लम भी पता होनी चाहिए, वो सारे की सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एक सिंपल सबसे पहली चीज, जो सिंपल चीज है जो सब स्टूडेंट्स के लिए कॉमनली अप्लाइड है, वो है एक रामबाण आप सभी लोगों के लिए। वो रामबाण ये है कि जो भी सब्जेक्ट, सिर्फ इंग्लिश नहीं, जो भी सब्जेक्ट आपका प्रॉब्लमेटिक है, जो भी सब्जेक्ट आपका कमजोर है, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो जीए हो, जीके हो, करंट अफेयर, कोई सा भी, कोई सी भी ऐसी चीज जो आपको परेशान करे, भाई साहब उसके पीछे पड़ जाओ, बस यही है मेरा जो रामबाण तरीका रहा इंग्लिश को सीखने का या इंग्लिश एक्सपर्ट बनने का, वो सिर्फ यही रहा कि मैंने इंग्लिश का पीछा नहीं छोड़ा। 4 से 5 साल मैंने इतना इंग्लिश को ना रगड़ा है ना, इतने अच्छे तरीके से मैंने उसको एक्सपीरियंस किया है और मैंने उसको बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस किया है, मैं उसके पीछे बढ़ गया। तो ये काम सबसे पहले आपको करना है, ये माइंड सेट कर लो कि बस ये सब्जेक्ट है, ठीक है, ये सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट के पीछे मुझे पड़ जाना है, मतलब इसको तो नहीं छोड़ूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे कितना भी परेशान कर ले मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, वो वाली फीलिंग आनी चाहिए इसके पीछे, जैसे ये सुपरमैन की तरह भाग रहा है ना। डिमोटिवेटेड फील मत करो, मोटिवेटेड फील करके ना उसके पीछे पड़ जाओ, पीछे पड़ जाओ इंग्लिश के पीछे पड़ जाओ। जो भी सब्जेक्ट है आप इसकी जगह लिख सकते हैं जो आपका प्रॉब्लमेटिक है, मैथ्स दिक्कत देता है ना, उसके पीछे पड़ जाओ, हार मत मारो, पीछे मत हटो, क्विट मत करो, बस उसके पीछे पड़ जाओ। ये सबसे बड़ा आपका इलाज है, एक रामबाण इलाज है ये। इसके बाद हम फैक्ट्स की भी बात करेंगे, ये सिर्फ बड़ी बड़ी बातें हैं लेकिन ये सच है, इसीलिए मैंने आप लोगों के सामने रखा है। अब हम फैक्ट्स की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, सब्जेक्ट भी उसने चूज कर लिया कि सर मुझे इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है, मुझे मैथ्स में प्रॉब्लम होती है, मुझे रीजनिंग में प्रॉब्लम होती है, मुझे जीके जीएस में प्रॉब्लम होती है, कोई सा भी सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले कोई भी स्टूडेंट पूरी एक सब्जेक्ट में जो है वीक नहीं होता, पूरी एक सब्जेक्ट में, कंप्लीट सब्जेक्ट में उसको दिक्कत नहीं होती, उस सब्जेक्ट के कुछ पार्ट्स में भी दिक्कत होती है। जैसे मैंने कहा कि इंग्लिश के पूरे इंग्लिश में से कौन से पार्ट में आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, क्या पूरे इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है तो भी आप लोगों को सोल्यूशन मिल जाएगा, अगर किसी पर्टिकुलर एक पार्ट में प्रॉब्लम होती है तो भी आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। जैसे मान लो कुछ बच्चों को सिर्फ ग्रामर में प्रॉब्लम होती है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं, उनको सिर्फ ग्रामर में प्रॉब्लम होती है, उनको वो कैम में दिक्कत नहीं होती, ठीक है, कुछ बच्चों को ग्रामर में दिक्कत नहीं होती है, वो कैम में दिक्कत होती है, कुछ बच्चों को दोनों में ही दिक्कत होती है, है ना, मुझ जैसे लोग। फिर आते हैं तीसरी वाली चीज है आपकी कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज, यानी कि ये आपके कॉम्प्रिहेंशन होते हैं, जैसे कि आपको अगर रीडिंग करनी है, रीड कर लिया लेकिन समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, समझ में नहीं आ रहा क्या पढ़ा है, इसका क्या मीनिंग होगा ये समझ में नहीं आ रहा, इसको कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज। कुछ लोगों को रीड करने में ही दिक्कत आती, वो पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, अब किसी ने पढ़ भी लिया समझ लिया लेकिन किसी को अगर डिलीवर करना है बोल नहीं पा रहे हैं, तो किसी ना किसी एक पर्टिकुलर पार्ट में भी दिक्कत हो सकती है, सारे पार्ट्स में भी दिक्कत हो सकती है। अब हम बात करते हैं इसके अलावा कि ये जो सारी की सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, ये भी अपने आप, जैसे आपने ये चीज आइडेंटिफाई कर ली कि इंग्लिश के मुझे इस वाले पार्ट में दिक्कत होती है, आपने ये वाली चीज तो फाइंड आउट कर ली, अब इनके अंदर भी एक स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है, तो प्रॉब्लम किन किन पर्टिकुलर चीजों में होती है वो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि कुछ स्टूडेंट्स को इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे अगर मैं जब उनको क्लास में पढ़ा रहा हूं या मैंने कुछ भी समझा दिया तो बच्चे को ऐसा लगता है कि सर ये पिछले 15 दिन से पढ़ा रहे हैं, पिछले 2 महीने से पढ़ा रहे हैं, अभी भी इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, जब भी आप पढ़ने जाते हो, मैथ्स पढ़ने जाते हो, तो वो पिछले 4 साल से पढ़ा रहे हैं, 4 महीने से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो आप कहोगे कि सर ग्रामर में इतने रूल्स आप लोगों ने करा दिए,
ये याद कैसे होंगे? तो ऑब्वियसली यार, इतने सारे रूल्स कैसे याद होंगे? तो अगर आप रूल्स को रटने में लगे रहे, या फिर अगर आप फॉर्मूलाज जो होते हैं आप लोगों के मैथ्स में, उनको अगर रटने में लगे रहे, तो क्या आप उनको रट पाओगे? क्या आप उनको याद कर पाओगे? अगर आप उनको याद करोगे तो सिर्फ याद करने के हो जाओगे। तो कुछ बच्चों का कॉमन डाउट होता है कि सर ग्रामर के रूल्स को याद कैसे करें, या ये याद नहीं होते, इसका सॉल्यूशन बताएंगे। ये तो सिर्फ आपकी प्रॉब्लम्स है, अभी इनके सॉल्यूशंस आगे आएंगे, कौन कौन सी किताबें पढ़नी आगे आएंगे, कौन कौन सी चीजें चूज करनी है, कितना टाइम देना है, सब कुछ आगे आने वाला है। अभी सिर्फ इतना देखो कि यहां पर मैं अभी आपको क्या बता रहा हूं, ग्रामर के रूल्स याद नहीं होते, ये कॉमन प्रॉब्लम होती है कि स्टूडेंट की, कोई दिक्कत नहीं, इसका सॉल्यूशन मिलेगा। ट्रांसलेशन नहीं आता है सर, एक सेंटेंस है, पढ़ तो लिया लेकिन इसका मीनिंग क्या होगा ये नहीं पता चल रहा, तो इसकी भी दिक्कत आती है कुछ बच्चों को। कुछ बच्चों को आती है कि सर मान लो हमें ट्रांसलेशन भी कर लिया, हमें रूल्स भी आते हैं, उसके बावजूद भी हम जब एरर डिटेक्शन का या कॉमन एरर का क्वेश्चन करने बैठते हैं, एरर ही नहीं खोज पाते हैं, हमें उसमें एरर ही मिलती है, सारा का सारा सेंटेंस नो एरर लगता है, जब उसका आंसर टिक करते हैं तो पता चलता है इसमें ये गलती है, समझ रहे हो ना? तो ये एक भी एक प्रॉब्लम होती है कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट की। उसके बाद कुछ बच्चों को वर्ड्स बोलने नहीं आते हैं, मतलब बोल लेते हैं तो कुछ तो गलत बोलते हैं, कुछ बोल ही नहीं पाते हैं। कॉमन जेप क्वेरीज हैं, ये कॉमन प्रॉब्लम्स हैं कि वर्ड के उच्चारण नहीं आते हैं, प्रोनंसिएशन नहीं आता है, वो बोल ही नहीं पाते हैं, ठीक है, ये भी प्रॉब्लम होती है। उसके अलावा इंग्लिश पढ़ने में मन नहीं लगता सर, इंग्लिश की क्लास जहां भी चलती दिख जाए उसे छोड़ के भाग जाता है बच्चा, क्यों, रीजन क्या है, क्या दिक्कत क्या आ रही भाई, सब इंग्लिश पढ़ते क्यों नहीं हो, मन क्यों नहीं लगता, उसका रीजन क्या है? उसके पीछे नहीं पढ़े हो अभी तक, आप पीछे पड़ जाओ हाथ धो के, सुपरमैन बन जाओ, उसके पीछे भाग जाओ, ठीक है, छोड़ना मत उसको। अभी देखो इनके सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स मैं बता रहा हूं ना, इनके सॉल्यूशंस भी आगे बताने वाला हूं, बस थोड़ी देर बने रहिए मेरे साथ। वोकैबुलरी याद कैसे करें सर, वोकैबुलरी कैसे याद करें, मैं आपको चैप्टर वाइज टाइप वाइज सारे के सारे सॉल्यूशंस दूंगा कि ग्रामर को कैसे, रूल्स कैसे याद करने हैं, वो कैब कैसे याद करने हैं, सारी की सारी चीजें डिटेल में समझाऊंगा, बस थोड़ी देर बने रहिए। देखो वोकैबुलरी याद नहीं होती सर, कोई दिक्कत नहीं है, हम बताएंगे कैसे याद होगी। इसके बाद बड़ी प्रॉब्लम होती है जब बच्चा मान लो एक दो महीने, दो चार छह महीने तैयारी कर लेता है, उसके बाद जब बैंकिंग का या SSC का एग्जाम देता है, कहता है सर पैसे तो सॉल्व ही नहीं होते मेरे से, भाई कहां से होंगे, तुम्हारी तो इंग्लिश ही भी गए, उसको स्ट्रॉन्ग कैसे करोगे, क्लोज पैसेस हो गए है ना, PQRS हो गए, सेंटेंस थ्री अरेंजमेंट, जो बड़े बड़े सेंटेंसेस होते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं, इनको सॉल्व नहीं कर पाते एक बच्चा, उसका रीजन क्या है, क्या सॉल्यूशन है, क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तो आपको पता चल गई, अब बात करेंगे सॉल्यूशंस की, देखते हैं सॉल्यूशन क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले मैंने कहा कि सॉल्यूशन हमें ढूंढना है, बट किस चीज का, पहला जो पार्ट है वो है आपका ग्रामर। जैसे मान लो कुछ स्टूडेंट्स को पर्टिकुलरली ग्रामर में दिक्कत होती है, तो उसके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, सर मैं अपनी ग्रामर को कैसे इंप्रूव कर सकता हूं, मैं अपनी ग्रामर को कैसे इंप्रूव कर सकता हूं, अपने ग्रामर के फैक्ट्स को, पॉइंट्स को, रूल्स को, या कॉन्सेप्ट्स को कैसे समझ सकता हूं, कैसे इंप्रूव कर सकता हूं। देखो भाई सबसे पहला काम कि बच्चे कहते हैं सर रूल्स याद नहीं होते, किसने बोला कि तुम रूल्स याद करो, किसने बोला कि तुम रूल्स याद करो? अगर किसी ने एक सेंटेंस आप लोगों को समझा दिया, कोई भी एक क्वेश्चन आप लोगों को समझा दिया, तो उस क्वेश्चन को समझ लो कि ये हुआ कैसे, और उसी जैसे कम से कम 5 या कम से कम 10 क्वेश्चन उसी तरह की कर डालो, आपको रूल्स रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब भी आप सपने में भी ऐसा क्वेश्चन देखोगे ना, चुटकियों उसका आंसर दे दोगे, समझ में आ गया? तो कभी भी आपको रूल्स को याद नहीं करना, स्पेशली किताबों में से तो बिल्कुल नहीं, किताबों में जैसे किसी जो बुक मैं सजेस्ट करूंगा, देखते हैं कि वो कहां तक आपको लेके जाती है। मैं आप लोगों को कंप्लीट स्ट्रेटजी बता रहा हूं कि बच्चा अगर जीरो से इंग्लिश सीखना चाहता है और अच्छे लेवल की सीखना चाहता है, तो आप लोगों को पूरी की पूरी हेल्प मिलेगी। जो एक्सपीरियंस्ड है वो तो मेरी क्लास देखते ही है रेगुलरली, ठीक है, प्रैक्टिस क्लास देखते हैं रोजाना यूट्यूब पर। तो कभी भी रूल्स याद मत करो, किसी के भी रूल्स याद मत करो, उनको जब आप देखो, दूसरा पॉइंट आपका यही है, रूल्स याद मत करो तो सर क्या करें कि जो भी किसी ने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया एक बार, क्लियर द कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिस इट। प्रैक्टिस देखो यहां पर एस लगा हुआ है, वर्ब की तरह यूज किया गया है, मैंने यहां पर क्लियर कर दिया पहले, क्लियर द कॉन्सेप्ट, कोई भी एक कॉन्सेप्ट किसी ने समझा दिया, इसको क्लियर करके इसकी इतनी बार प्रैक्टिस करो जितना आप कर सकते हो, आपको कभी भी रूल रटने की या याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है, कभी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्पेशली किताबों से तो आपको रूल्स याद ही नहीं करने हैं, आपको सिर्फ किसी टीचर को फॉलो करना है पर्टिकुलरली, क्योंकि वो प्रैक्टिकली आपको चीजें समझाते हैं। लेकिन अगर किताब में से पढ़ते भी हो तो उनको याद मत करो, उसी जैसे
क्वेश्चंस करो, कोई दिक्कत नहीं, आप किताब से भी चीजें पढ़ सकते हो। ठीक है, आगे चलिए। फिर आपको करना है, जैसे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जा रहे हैं तो फिर उनकी चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। जैसे अगर आपने एक बार नाउन सीख लिया, नाउन के बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीख लिए, तो उनकी चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करो। मतलब पहले टाइप वाइज कंप्लीट नाउन के या प्रनाउन के किसी भी टॉपिक का, कोई सा भी टॉपिक ले लो, उसी के बहुत सारे क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन होने चाहिए सर? कम से कम 100 क्वेश्चंस तो ये मिनिमम है एक बिगिनर के लिए, एक स्टार्टिंग करने वाले स्टूडेंट के लिए कम से कम 100 क्वेश्चन। और मैं तो कहता हूं कम से कम 200-300 एक ही चैप्टर के क्वेश्चन कर डालो। ठीक है, लेकिन मिनिमम कितने क्वेश्चन होने चाहिए एक चैप्टर के? एटलीस्ट 100, कम से कम 100 क्वेश्चन तो आपको हर एक चैप्टर के डिस्कस करने ही करने हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं। देखो, अगर आप लोग चाहते हैं कि सर हमें रूल्स फॉलो करने हैं या कॉन्सेप्ट्स फॉलो करने हैं तो कहाँ से करें, तो स्पेशली अगर आपको कहीं पर कोई नहीं मिल पा रहा है, आप अगर कहीं पर भी किसी कोचिंग सेंटर नहीं जा पा रहे हैं, जा भी रहे हैं तो भी, नहीं भी जा रहे हैं तो भी, आप मेरी एक क्लास चलती है यूट्यूब पर रोजाना, रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर, तो सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए हमारी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब, आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा दोनों प्लेलिस्ट का, मैं आपको बता देता हूँ। जाकर के एक प्लेलिस्ट चेक कर लो, कंप्लीट इंग्लिश बाय अनिल जाधव सर, ठीक है, ऑन YouTube, ये YouTube पर आपको मिल जाएगी, रैंकर्स गुरुकुल YouTube चैनल पर। ठीक है, जाकर के चेक करोगे तो आपको मिल जाएगी। दूसरी चीज देख लेते हैं यहां। अब हम बात करेंगे सॉल्यूशंस की। किसके सॉल्यूशंस? वोकैबुलरी के। जो सबसे ज्यादा एक फ्रीक्वेंट क्वेश्चन होता है एक स्टूडेंट का, सर वोकैब याद नहीं होती, इसका क्या तरीका है? तो देखो, सबसे पहले तो आप लोगों को कुछ नहीं करना, एक वोकैब शो फॉलो करना है। जरूरी नहीं कि आपको मेरा ही पसंद आ रहा है, किसी का भी कर सकते हैं। अगर आपको मेरा पसंद आता है तो ऑब्वियसली मेरी क्लास चलती है सुबह 9 बजे डेली वोकैब शो के नाम से, तो आप वो वाली प्लेलिस्ट जरूर ज्वाइन कर लेना। ठीक है, और ये यूट्यूब पर रेगुलरली सुबह 9 बजे चलती है, कोई भी पर्टिकुलर एक वोकैब शो तो आपको देखना ही पड़ेगा रोजाना। ठीक है, सुबह शाम कभी भी देखो, लेकिन देख लो, प्लेलिस्ट ऐड कर लो, इसकी प्लेलिस्ट भी आपको लोगों को मिल जाएगी। दूसरा जो आप पार्ट, आपका जो पार्ट होता है वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करने का, वो होता है रीड द न्यूज़पेपर। मतलब सबसे पहले आप लोगों को न्यूज़पेपर भी रीड करने हैं। अब प्रॉब्लम ये होती है कि सर न्यूज़पेपर तो रीड कर लेते हैं, लेकिन न्यूज़पेपर रीड करने के अलावा उसका करें क्या? कुछ बच्चे कहते हैं सर न्यूज़पेपर में से वोकैब कैसे सेलेक्ट करें, या फिर मान लो वोकैब सेलेक्ट कर भी रहे हैं तो कितनी करें, उसमें तो बहुत सारी वोकैब होती हैं, हमें तो 4 लाइन पढ़ लें उसी में से 400 वर्ड निकल आते हैं, एक प्रॉब्लम ये भी होती है। लेकिन भाई साहब, जब आप न्यूज़पेपर रीड करोगे तो उसमें सारी की सारी वोकैब तो तुम्हें आती होगी, पूरी वोकैब तो नहीं आती होगी ना, तो उसमें से कम वर्ड आप लोग डेली अंडरलाइन करो, उनको एक अलग पर्टिकुलर नोटबुक में लिखो, फिर उसके बाद कुछ रफ पेज ले लो, उस पर उन वर्ड्स को बार बार लिखो, बार बार लिखो, बार बार लिख लिख के उनके मीनिंग लिख लिख के अपने मन जो है दिमाग में ऐसे करके इमेजिन करके वर्ड्स को याद करो। ठीक है, और मैक्सिमम वर्ड बहुत ज्यादा किसी को बहुत जल्दी होशियार होना है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्ड्स मैंने यहां पर लिखे हैं 30, इससे कम ही रखने हैं। पर डे एक न्यूज़पेपर से कोई सा भी न्यूज़पेपर पढ़िए, कोई इशू नहीं है। ठीक है, पर्टिकुलर किसी भी न्यूज़पेपर की जरूरत नहीं है, आप कोई सा भी न्यूज़पेपर पढ़िए, मैक्सिमम 30 वर्ड्स और मिनिमम 15 वर्ड्स, 15 वर्ड्स कम से कम अंडरलाइन करके एक नोटबुक में लिखो, और अगले दूसरे रफ पेज पर आप लोग क्या करो, उनको रिपीट करो, रिवाइज करो। ठीक है, फिर उसके बाद भी इफेक्टिवली जब उनको लिखा हुआ है रिपीट अगेन एंड अगेन, अगर आप उनको थोड़ा सा और प्रैक्टिकली याद करना चाहते हैं तो उनको सेंटेंसेस के अंदर यूज करके अप्लाई किया करो, समझ रहे हो ना, सेंटेंसेस के अंदर यूज करो उनको और बोलो न्यूज, जो भी न्यूज़पेपर से आप वर्ड्स कलेक्ट कर रहे हैं उनको सेंटेंसेस में जो है ऐड करके अप्लाई करके उनको याद करो, उसके बाद उन्हीं वर्ड्स के बने हुए सेंटेंसेस को स्पीक करो एटलीस्ट 30 मिनट्स इन अ डे, कम से कम आधे घंटे तो आप पूरे 24 घंटे में बोल ही सकते हो। कोई भी मिल जाए आपका यार दोस्त भाई बंधु बहन कोई भी हो, उनके साथ 10-20 मिनट आधे घंटे जबरदस्ती ऐसे चिपक जाओ, भले ही गलत से गलत इंग्लिश बोलो, पूरी इंग्लिश गलत बोलो, हिंदी को ही इंग्लिश में बोल दो भले, लेकिन बोलो इंग्लिश, कम से कम आधे घंटे स्पीक करो, और कोशिश ये करना कि वही सेंटेंसेस हों जिनमें आप लोगों ने वर्ड्स अपनी तरफ से ऐड किए हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका क्या भाई साहब, स्पीक इंग्लिश एटलीस्ट 30 मिनट्स इन अ डे। उसके बाद अगर हम बात करें प्रोनंसिएशन की, वोकैबुलरी तो आपको याद हो गई, अब उसके साउंड की बात करते हैं, तो प्रोनंसिएशन हमें नहीं आते हैं सारे के सारे वर्ड्स के, बहुत सारे वर्ड्स के प्रोनंसिएशन हमें नहीं आते हैं, तो गूगल बाबा आपके लिए बहुत बड़ा ऑप्शन है आज के टाइम पे भाई साहब। जिन्होंने पहले तैयारी की थी ना उनके तो
बिल्कुल, मतलब उनकी तो तारीफ करो कम है, कैसे उन्होंने ये सब कर लिया। तो भाई साहब अब तो आपके लिए गूगल है, बहुत सारी डिक्शनरीज हैं, डिक्शनरीज के भी नाम बता दूंगा मैं, ठीक है। तो किसी भी डिक्शनरी से आप लोग जो है, या फिर गूगल से आप उनके वर्ड्स के प्रोनंसिएशन भी चेक कर सकते हो, ठीक है। जनरली हम लोग अमेरिकन बैबस्टर यूज़ करते हैं, सिंपल है, अच्छी है, नॉर्मल है, इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी है। हिंदी वाली मैंने आप लोगों को एक वीडियो इसी में ही आप लोगों को मिल जाएगी कि किस तरह आप कौन कौन सी डिक्शनरी यूज़ करते हैं, मैं कौन सी डिक्शनरी यूज़ करता हूँ, ये आप लोगों को चैनल पर मिल जाएगी मेरी वीडियो, जा करके देख लेना। उसके बाद बात आती है थर्ड पार्ट ऑफ इंग्लिश, यानी कि यहाँ पर लिखा हुआ है सॉल्यूशंस। किस चीज़ के सॉल्यूशंस भाई साहब? कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन तो जानते हो, अगर आपको पैसेज क्लोज पैसेज सॉल्व करना है तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए। इसमें अगर बच्चा कंफ्यूज होता है या उसको प्रॉब्लम होती है तो वो सिर्फ इस वजह से होती है कि वो व्यक्ति कभी भी रीड नहीं कर पाता है। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम वाले बच्चों के बीच में सबसे बड़ा, जो सबसे कंफ्यूजेबल डिस्प्यूटेड पार्ट होता है वो कॉम्प्रिहेंशन, इसीलिए होता है कि हिंदी मीडियम वालों वाले बच्चों की जो बुक्स होती हैं वो हिंदी में होती है, इंग्लिश मीडियम वालों की बुक्स इंग्लिश में होती हैं। उनको शुरू से इंग्लिश पढ़ने की आदत पड़ जाती है, हिंदी वालों को हिंदी पढ़ने की आदत पड़ जाती है, इसीलिए वो लोग इंग्लिश रीड करने के हैबिचुअल नहीं हो पाते हैं। इसी वजह से हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो हैं कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व नहीं कर पाते हैं, समझ रहे हो ना। यहाँ पर वो पूरा डब्बा गोल हो जाता है उनका आते। अब यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपने 12 साल मजे में काटे हिंदी बोल बोल के, अब आपको कुछ टाइम में ही 2-4-6 महीने या 1-2 साल के अंदर ही आपको एक हैबिचुअल पर्सन बनना होगा इंग्लिश रीडिंग का। आपको हैबिट डालने नहीं है अपने अंदर, कुछ भी मिल जाए, किताब हो इंग्लिश की, बुक हो इंग्लिश की, कोई दूसरी बुक हो, छोटे बच्चों की बुक हो, है ना, आप लोग कोई मैगजीन पकड़ लिए, कोई न्यूज़पेपर पकड़ लिए, कुछ भी आप इंग्लिश, भले ही इंग्लिश मूवी आपको समझ में नहीं आती है, सब टाइटल लगा के देख लो, भले ही समझ में ना आए देख लो, वहां पर चीजें आप लोग जब हैबिचुअल हो जाओगे ना, तो आपको रीडिंग रीडिंग का हैबिचुअल होना, बी द हैबिचुअल ऑफ रीडिंग, नो मैटर व्हाट, क्या फर्क पड़ता है कि आप क्या पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ो लेकिन इंग्लिश में पढ़ो, ठीक है। ज्यादातर कोशिश करोगे चीजों को आप इंग्लिश में ही देखो, इंग्लिश में ही सुनो, इंग्लिश में ही पढ़ो, तो आप जब हैबिचुअल हो जाओगे ना, तो आपका कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट एकदम परफेक्ट हो जाएगा, आई गारंटी भाई साहब। यहां दूसरा पॉइंट भी लिखा हुआ है, देख लो, रीड द न्यूज पेपर एटलीस्ट, अगर कुछ नहीं मिलता पढ़ने के लिए एक न्यूज पेपर ले लो, 10 रुपए का, 5 रुपए का, और वो कम से कम 5 से 4 दिन तो चली जाएगा आपका, 4 से 5 दिन आराम से चल जाएगा, अगर आप आधे घंटे भी रोजाना, 1 घंटे भी रोजाना पढ़ते हो तो रीड द न्यूज़पेपर ऑन डेली बेसिस, चाहे भले 30 मिनट्स के लिए पढ़ो, 30 मिनट पढ़ो, 20 मिनट पढ़ो, 1 घंटे पढ़ लो, लेकिन डेली पढ़ो, ठीक है। इसका आप लोगों को एक हैबिचुअल पर्सन बनना है रीडिंग का, समझ रहे हो ना, तभी जाके आपका कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट एकदम परफेक्ट होना पाएगा, हो पाएगा। ये बहुत ही बेसिक स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, जिसको आप घर बैठे आराम से कर सकते हो बिना किसी सोर्सेज के, समझ रहे हो ना, बहुत हाई फाई मैं आपको कोई स्ट्रेटेजी नहीं बता रहा, नॉर्मल स्ट्रेटेजी बता रहा हूं। अब इसके बाद अगर हम बात करें कि सर रोजाना हम इंग्लिश अगर पढ़ने बैठे तो कितनी पढ़ें, कितनी इंग्लिश पढ़नी चाहिए, मतलब कितने घंटे इंग्लिश को देने चाहिए, कितना टाइम इंग्लिश को देना चाहिए, तो सिंपली नॉर्मली आप इंग्लिश को 2 से 3 घंटे दे सकते हो, नॉर्मली 2 से 3 घंटे। अब इसमें से भी देखो, अगर कोई पर्टिकुलरली क्लास ले रहे हो तो लगभग 1 घंटे की तो आपकी क्लास हो गई, 30 मिनट्स आप उसको रिवाइज कर लो, क्या कर लोगे भाई, घर जाके 30 मिनट्स जो है वो आप उसको रिवाइज कर लो, रिवीजन कर लो उसका, ये आपकी स्टडी हो गई। और उसके बाद 1.5 घंटे जो है जो आपने सीखा उसकी प्रैक्टिस कर डालो चैप्टर वाइज, ये आपका एक स्टडी प्लान होता है, वो भी मैक्सिमम 3 आवर्स का, 3 घंटे का स्टडी प्लान है इंग्लिश का सिर्फ, इससे ज्यादा इंग्लिश को देने नहीं है, देख लो आपकी इंग्लिश स्ट्रांग हो जाएगी, आई गारंटी। और मिनिमम मिनिमम आप लोगों को 2 घंटे तो देने ही है भाई साहब, 2 घंटे तो आपको मिनिमम देने हैं, अगर आप बहुत ज्यादा बिजी हैं, अगर आप जॉब वॉब करते हैं तो, ठीक है। तो ये कम से कम 2 से 3 घंटे आप लोगों को इंग्लिश को देने हैं 1 दिन के अंदर। उसके बाद सबसे फेवरेट पार्ट आपका आता है कि सर किताबें कौन कौन सी लेनी चाहिए, तो किताबों को मैंने डिवाइड कर दिया भाई, बुक्स को मैंने डिवाइड कर दिया है कि बिगनर्स के लिए कौन कौन सी बुक्स होनी चाहिए, और एक्सपीरियंस्ड जो स्टूडेंट्स हैं, जो पढ़ चुके हैं काफी दिनों से और पढ़ रहे हैं, उनके लिए किस तरह की बुक्स होनी चाहिए, चाहे इंग्लिश मीडियम से हो चाहे हिंदी मीडियम से, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिंपली सबसे पहले तो उन लोगों के लिए बुक्स हैं जो अभी नई नई तैयारी शुरू कर रहे हैं, जो स्कूल से आए हैं, या फिर अभी उनके 2-4-6 महीने हुए हैं, या फिर
कुछ टाइम हो गया है, उनकी इंग्लिश थोड़ी सी कमजोर है, वीक है, ऐसे करके देख सकते हैं। तो उन लोगों के लिए सिंपल सी बुक, अगर आपको रूल्स भी उसी में से पढ़ने हैं, ठीक है, चीजें बेसिकली सीखनी है, हिंदी मीडियम से पढ़े हैं, तो आप सिंपली नो डाउट नीतू मैम की आप ये वॉल्यूम वन ले सकते हैं। बढ़िया बुक है, स्टैंडर्ड अच्छी खासी बढ़िया बुक है, नो इशू, खूब अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं और ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स हैं जितने आपको चाहिए, जिससे आपका सिलेक्शन हो सके, उस तरह के कॉन्सेप्ट्स आप लोगों के इस वाली बुक में दे रखे हैं। आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, विद्वान नहीं बनना है, सिलेक्शन लेना है, रैंक हासिल करनी है, सिंपल वही पढ़ो जिससे आपका काम चल जाए। अगर दूसरी बुक आपको लेनी है कि सर ये मेरे पास है या फिर मैं मतलब नहीं पढ़ना चाह रहा या मुझे कोई दूसरा ऑप्शन बता दो, तो फिर आपके पास एक और बुक मिल जाती है, बेसिक्स। यहां पर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, बिगनर्स के लिए चीजें, अगर आपको छोटी छोटी चीजें सीखनी है और बिना टीचर के सीखनी है, सेल्फ स्टडी आपको करनी है घर बैठ के, दोनों बुक्स ले सकते हैं। इस बुक की ये खासियत है कि ये हिंदी में नहीं मिलेगी, ये दोनों लैंग्वेज में मिल जाएगी, ठीक है। तो इसमें क्या है सर, इसमें स्पेशलिटी क्या है, इसमें ये स्पेशलिटी है कि जो आपकी एकेडमिक इंग्लिश होती है, सेम उसी तरह के आपके प्रैक्टिस एग्जांपल्स और प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप लोगों को इस बुक में चैप्टर वाइज मिल जाते हैं, ठीक है, बिल्कुल फंक्शनल पॉइंट्स मिलेंगे आप लोगों को, ठीक है। तो यहां से आप बेसिकली चीजों को इंप्रूव कर सकते हैं, यहां से आप कॉन्सेप्ट्स सीख सकते हैं, नो डाउट आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स ओरिएंटेड मिलेंगे, मजा आएगा पढ़ने में, अच्छी तरीके से आप क्लियरेंस ले सकते हैं। उसके बाद अगर आप लोग तैयारी कर चुके हैं, आप लोगों ने इनमें से भी बहुत सारी चीजें सीख ली हैं, तो अब बात आती है कि सर मुझे थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, मतलब इनमें आप लोगों को बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत कम मिलेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट्स अच्छे अच्छे मिलेंगे, ठीक है। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, सिंपली कुछ मत करो, तीन बुक्स खरीद लेना, ठीक है। एक तो मिरर ऑफ कॉमन एरर, यहां से आप काफी अच्छी तरीके से कॉमन एरर यानी कि स्पॉटिंग द एरर वाले क्वेश्चंस आइडेंटिफाई कर सकते हो, चैप्टर वाइज भी, और उसके बाद प्रीवियस सेट्स आप लोगों के दे रखे होंगे कि पिछले एग्जामिनेशंस में कौन कौन से एग्जामिनेशंस में किस तरह की जो है एरर के जो क्वेश्चन है वो पूछे गए, ठीक है, काफी साल के। फिर उसके बाद आती है वी के सिन्हा सर की, ये आपकी पब्लिक जो है इंग्लिश परफेक्ट बुक है, ये आप लोग प्रैक्टिस के तौर पे ले सकते हैं, इसमें चैप्टर वाइज बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों को मिल जाते हैं। कुछ लोग किताबों को जज कर देते हैं कि सर इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें ये है, तो इसमें एक दो क्वेश्चन अगर कोई चीज टाइपिंग मिस्टेक या किसी चीज की गलती हो जाती है किसी किसी बुक में, तो उससे आप किसी ऑथर को जज नहीं कर सकते, समझ रहे हो ना, किसी अगर क्वेश्चन में गलती हो गई, किसी छोटी मोटी चीजों में अगर टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, तो उसको आप ऑथर को जज नहीं कर सकते। तो नो डाउट ये बुक आप लोगों के जो प्रैक्टिस के मतलब की काफी अच्छी है। उसके बाद मान लो आपने चैप्टर वाइज जो है प्रैक्टिस कंप्लीट कर ली, तो अब आते हैं आपके सेट्स की। जैसे मान लो सर मुझे प्रीवियस ईयर सेट लगाने हैं या मुझे कंप्लीट सेट लगाने हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, ये आपके अजय सिंह सी की जो अजय कुमार सिंह सर हैं, इनकी एक बुक आती है आपकी एमबी पब्लिकेशन के नाम से फेमस है, और ये दो बुक आती है, ये यहां पर जो छपी हुई है एसएससी की है, ऐसी ही आप लोगों की थोड़ी डिफरेंट कलर में आपको बैंक की भी मिल जाएगी, ठीक है। बैंकिंग वाले स्टूडेंट्स के लिए दूसरी बुक मिलती है सेट्स की, तो वो भी आप लोगों को इंग्लिश की ले लेनी है। यहां से जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आप रिजल्ट बना लेते हो 99.9% तक इंग्लिश में अच्छा खासा स्कोर, अगर यहां से कोई कमी आप नहीं छोड़ते हो तो, ठीक है भाई। काफी ज्यादा टाइम हो गया, अब आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बस यहीं पर चीजों को खत्म करते हैं। ये चीजें थी जो मुझे आपको बतानी थी, बाकी तो आपको पता ही है ना। इस छोटी सी वीडियो में आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर आप लोगों को सब कुछ बढ़िया लगा है, अगर ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगी है, तो सभी उन मेरे भाई बंदियों को बताएं जिनको भी इस तरह की स्ट्रेटेजिक वीडियो देखनी है, या उनको भी इंग्लिश बिल्कुल जीरो से अच्छे लेवल की सीखनी है और उनको बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, तो आप अपने किसी भी यार दोस्त अपने भाई बंधुओं को रेफर कर सकते हैं। बाकी अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख करके आप मुझे बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, ठीक है। थैंक यू सो मच इस क्लास को, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। टाटा बाय बाय, जय हिंद।